वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो में। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का होली बहुत ही अच्छा गया होगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं हमारे क्रोमा स्टोर के बारे में, जो कि आज ही आया इवेंट। हालांकि मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस इवेंट्स का पूरा मसला क्या है, उसका अकॉर्डिंगली लाइक कितना डायमंड्स लगेगा ये वो। अभी तो फिलहाल मेरे पास 800 डायमंड है, तो हम उतना ही स्पेंड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इस क्रोमा स्टोर पे क्लिक करते हैं और अंदर देखते हैं कि किस टाइप का इवेंट्स है। तो ये रहा हमारा क्रोमा स्टोर, जो कि कुछ बहुत ही कलर वाला है, बट इसमें हमारा मेन बंडल का है वही नहीं दिख रहा है। तो इसका पढ़ते हैं कि इसको एक्चुअली है क्या इवेंट। तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके पहले इवेंट्स को समझते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे 5 कलर दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे है, अच्छा मतलब हर एक कलर में से एक एक आइटम्स हमें लेने हैं। तो अच्छा, तो ये इवेंट ऐसा है कि हर एक पांचों कलर में से एटलीस्ट आपको एक आइटम लेना है पांचों कलर में से, तब जाके आपको बंडल मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि आप यहाँ से अपने हिसाब से भी कम कम डायमंड्स के ले सकते हो। जैसे अभी मेरे पास 833 डायमंड्स है, तो यहाँ से जो सबसे कम है मैं उसी को यहाँ से बाय करूँगा। जैसे अभी यहाँ पे सबसे कम तो 150 का ही दिख रहा है और 160 का दिख रहा है। बंडल ले सकता हूँ बट लूँगा नहीं मैं, तो मैं यहाँ पे ये 160 वाला क्रेट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ का एक कलर, चलो हमने एक पाउडर को ख़रीद लिया है। अब यहाँ दूसरे में सबसे कम क्या है यहाँ पे, ये कार की स्कीन है। तो ये जो बीच में M60 का क्रेट दिख रहा है, हम उसे लेंगे, 100 डायमंड्स का ये। तो यहाँ से इसे भी ले लेते हैं। अब बचे हमारे पास 3 पाउडर, तो इसमें से सबसे कम तो मेरे को ये बैनर और अवतार दिख रहा है। तो ये 30 वाला अवतार ले लेते हैं हम यहाँ से, क्योंकि जितना कम डायमंड हम वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम डायमंड्स ही और कम से कम डायमंड स्पेंड करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स ले सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस अवतार को, क्योंकि हमें कम डायमंड्स ही यूज़ करने हैं इसमें। और आप लोग भी सबसे कम वाला ही लो, ये नहीं कि अच्छा अच्छा बंडल आया तो सभी को ले लो, नहीं, मेन हमारा है बंडल ये होली वाला। तो यहाँ पे जितना कम डायमंड्स यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये लूट बॉक्स को ले लेता हूँ। अब मात्र एक को खर्च करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी सबसे कम क्या है, सबसे कम तो दिख रहा है ये स्काई बोर्ड दिख रहा है 30 वाला। तो हम यहाँ पे वही 30 डायमंड ही खर्च करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं पहले। देखिए पांचों पाउडर खर्च और ये बंडल फाइनली हमारा हो गया विथिन, मतलब 300 डायमंड्स के अंदर अंदर आ गया। देखो मेरे पास था 833 डायमंड्स कुछ था। अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल अभी फाइनल डायमंड्स कितना बचा है यहाँ पे। देखिए फाइनली ये बंडल तो हमारा हो चुका है अभी, तो बस बंडल से मतलब था अभी। हाँ बाद में देखो मेरे पास अभी यहाँ 443 डायमंड्स बचा है, मतलब आप लोग मान सकते हो कि 400 के डायमंड्स में हमें आइटम्स भी मिल गए और बंडल्स भी मिल गए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। फालतू में आप लोग को इसमें डायमंड वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डायमंड बच रहा है तो आप लोग किसी भी बंडल या कुछ के तरफ जा सकते हो। तो आइए यहाँ से इस बंडल को इक्विप कर लेते हैं। ये कैरेट्स हम बाद में खोलेंगे, पहले ये बंडल देखो, बहुत ही ओपी बंडल है ये। चलो ले लेते हैं, कम में मिल गया है, कम में मिला भी नहीं, हमने कम में निकाला है। तो आप लोग भी यही करना, यही ट्रिक आजमाना, कम से कम जो भी सस्ता आप लोग का आएगा वही लेना। तो ये रहा हमारा बंडल होली का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो का भी यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोग के ऊपर, आप लोग को अगर सस्ते आइटम नहीं महंगे आइटम से चाहिए तो आप लोग वहाँ उस तरफ भी जा सकते हो। बाकी ये भी बेस्ट ऑप्शन है, जो लोग डायमंड, जिनके पास डायमंड्स नहीं होते उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।